में से किसी का, ताकि मैं ओके चार्ट को एक बार डिस्प्ले करके आपको बता पाऊं कि फेंग शुई में चार्ट कैसे वो होते हैं। संध्या मेहरोत्रा। ओके, सेवेंथ ये का दीदी मतलब मेरे मंगल पास इसके सूत्र फिंग्स, इसके बर्थडे के चार्ट आए हुए हैं, आपको कैसे भेजूं? सॉरी, बर्थ डेट के चार्ट है मेरे पास ये, आपको नहीं, कैसे? आप लोगों में से जो लोग बैठे हैं ना, हम उस उनमें से ही किसी का चार्ट लेंगे। हम संध्या नहीं मेहरोत्रा, नहीं संध्या मेहरोत्रा 11/11/1957। एक सेकेंड, मैं आपके लिए वो खोल रही हूँ। और ये कैलकुलेटर जो है वो फ्री मिलता है। बाजी कैलकुलेटर। टाइम बोले, 10:20, 10:44 PM। टेन फोर्टी फोर यस PM रात के। यस तो दैट इज 22। और डेट 11/11/1957। प्लेस कानपुर मैम। जी ये जो है ना, हमें लेट मी ट्राई, अगर ये मुझे देता है तो, क्योंकि ये देता नहीं है, मगर नहीं, इट्स ओके। मैं खाली आपको, क्योंकि जो क्लास में हम यूज करेंगे वो दूसरा चार्ट होगा। ओके आई गिव यू माय डॉटर्स डेट ऑफ बर्थ यू से। नहीं, दैट्स फाइन। ओके ग्रेट। अब ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है, मैं थोड़ा और इसको, आप ये देख रहे हो डे मास्टर, यस मैम। रेड में है वो। जी मैम। डिंग जी। एलिमेंट हाँ, तो आपका एलिमेंट क्या है? फायर। फायर ऑफ कोर्स। ठीक है। अब अगर आप ये देखो कि ये हेवनली स्टेम्स है और ये अर्थली ब्रांचेस है, जी इसके अंदर जो इनका डे मास्टर है, यानी ये खुद है फायर। ओके अब इनका ईयर भी फायर है। ओके संध्या जी, आई एम सॉरी टू से, बट आपकी जो है ज्यादा फ्रेंडशिप्स चलती नहीं है, अच्छा ओके ओके मतलब आप खुद फायर होने की वजह से, और आगे फायर जो है वो आगे होने की वजह से, आप कभी हाँ कभी क्या हो कि आप मुंह फटो, आप कुछ दिल में नहीं रख सकते, आप सामने बोल देते हो। जब आप हाँ सामने जी किसी को कुछ बोल देते हो तो सामने जी वाले का क्या एलिमेंट है हमें नहीं पता, वो बुरा मान जाता है, तो वो सोचते हैं हाँ कि अरे जी यार कितनी कड़वी है। हाँ जी अब अगर आप ये देखो कि अच्छा, आपको डाइजेशन, या आपको जैसे कि आप जब भी खाना खाते हो तो आपको जी उसको पाचन शक्ति आपकी कमजोर है, जी हाँ जी वो आई कहां हैव से गॉट है? डायबिटीज। वो डायबिटीज आपका जो हेवनली स्टेम है वो आपका अर्थ एलिमेंट है, तो ओके आपको जो है उसके अंदर अर्थ को कौन कंट्रोल करता है, अभी मैंने बताया था। वुड मेटल, ध्यान वुड। ठीक है, तो जी इनको क्या चीज पाचन शक्ति बढ़ाएगी? इनको जो है आयुर्वेद की मदद ज्यादा अच्छी है, इनको कोई इंग्लिश दवाइयां या होम्योपैथिक खाने की वो असर नहीं करती इनको। अगर ये आयुर्वेद में हमारी जो स्पाइसेस हैं या हमारे जो हर्ब्स हैं उसको जी खाएंगी, जैसे धनिया का पानी हो गया सुबह खाली पेट, वो इनको असर कर जाएगा, इनकी पाचन शक्ति इंप्रूव हो जाएगी। जी ऐसे ही अगर हम अर्थली ब्रांचेस में देखें तो जी आपका जो दो आता है, ये देखें, अब यहाँ पे एक चीज को आप नोट करिएगा, अर्थली ब्रांचेस में हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, जी हमारे पास यिंग एंड यान है। जी तो आपका जो
आप हो फायर बट जी जी आप यिन हो। जी वो कहते हैं ना कि बाहर शेर घर में भीगी बिल्ली, मतलब आप अपने ही लोगों के सामने आप जी श्रिंक हो जाते हो, सिकुड़ जाते हो, जी आपको डर लगता है, एक अजीब सा आप में एक फियर है कि जी जी मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी लाइफ से, यस यस क्वाइट ट्रू वो कॉम्प्रोमाइज आप में बहुत है, आप कभी जी उठ ही नहीं पाए अंदर से। क्यों? क्योंकि जी आपका जो अर्थ का जो ब्रांच जिसको हम कहते हैं जो मेजर है वो यिन है। ओके आप वो आग हो जो घर के अंदर बुझी पड़ी है, बाहर जी लेकिन जल जाते हो। बाहर आपको एक अजीब सा कौन, लोग उल्टे होते हैं कि बाहर जाके एकदम नर्वस हो जाएंगे, घर में शेर रहे, लेकिन आपका उल्टा है। हाँ जी जी अब इस चार्ट को देख के अगर मैं ये कहूं कि आप लोग सब देखो इस चार्ट को, इस चार्ट में मुझे बताओ कि इनके पास कौन सा एलिमेंट मिसिंग है और ये यिन एंड यांग का प्रॉपर बैलेंस है इनमें। भाई ये अपनी हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को बहुत इन्होंने अच्छे से रखा है, बट इनके पास एक एलिमेंट बहुत ज्यादा मिस है। इनडायरेक्ट वेल्थ नहीं, वुड वुड नहीं है यहाँ पे, ग्रोथ जी नहीं है यहाँ पे, ये घर के अंदर बिल्कुल फंस के रह गई हैं, अपने रिलेशनशिप्स में ही उलझ के रह गई हैं, जहां से इन्होंने अपनी सही जिंदगी शुरू करी थी ये आज भी जी वहीं पर हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा बिकॉज वो इनका चार्ट बोल रहा है। जी जी द हाउ टू प्रोग्रेस यू विल हेल्प मी आउट वही तो आपको ये क्लास बताएगी कि आप जी अपना नहीं बहुत लोगों को हेल्प कर पाओगे, जी क्योंकि ये चार्ट जो है ये हमें बता जाएगा। अच्छा, इसके बाद जी जी अब आप ये नीचे देख रहे हो 10 ईयर लक। आपका हमने कहा कि भाई आप सेल्फ में क्या हो, फायर, जी और यहां पे आप देखो कि फायर आपका जो ईयर है प्रोस्पेरिटी का ईयर, वो आपको कहां से कहां मिला, आपको ये प्रॉस्पेरिटी कब आएगी, 58 ईयर्स में जाकर आए। 58 जो आपका ईयर होगा, वहां से लेके 10 साल, यानी आप 5 साल पहले मान के चलो, 1 सेकेंड, आप 58 तो 10 साल पहले हो गया 48। क्या आपके फाइनेंसेस 48 से ग्रो जी होने शुरू हुए, मतलब आई यू फील हैप्पी विद द मनी? यस यस फाइन बट नाउ नाउ डेज दिस इज द टाइम आई एम मोस्ट हैप्पी दिस करेक्ट। पीरियड आई एम मोस्ट तो हैप्पी हाँ आपका जो पीरियड चल रहा है वो वेल्थ का पीरियड चल रहा है। अब आप जी इसको एनहेंस कैसे करोगे? फायर है वो, जी जी और वो स्नेक का अर्थली ब्रांच में है, यानी स्नेक इज अ यिन, मतलब पैसा आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, यांग में नहीं जी आ रहा है, यिन में आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा तो अब आप उसको यांग कैसे करोगे? अच्छा, अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि यांग क्या है, सूर्य, जी इस इंसान को सूर्य की रोशनी में ज्यादा बैठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। जी जी टेक हेयर फ्रॉम द सन तो यांग को आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि इस समय जो आपका पीरियड चल रहा है वो 10 ईयर का लकी पीरियड चल रहा है, इसको आपने राय वो नहीं किया मिल्क, तो फिर आगे का जो आने वाला है जी वो अब जाके 26 में जाके आपको अर्थ आएगा, मतलब रुक जाएगा हर चीज, यू नो देयर विल बी चेंज इन योर लाइफ। सडनली जो है वो आपको वुड तब हेल्प नहीं करेगी, अर्थ ओके को वुड कौन कंट्रोल करता है, वुड। तो वुड जो है वो आपका तो एक है ही जो मिसिंग एलिमेंट है, लेकिन जब अर्थ आएगा तो आपको उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा, उसको रिड्यूस कौन करता है, मेटल। तो उस समय आपको मेटल और वुड की हेल्प लेनी पड़ेगी, अभी आपको वुड की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी तो इस तरह से आप करते हो।